हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारी कमेंट मिले मुझे कि टीसीएस में फ्रेशर्स को कितनी सैलरी मिलती है। बेसिकली ये कमेंट करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि लोगों को सैलरी के बारे में पता नहीं या रिसेंट अपडेट के बारे में पता नहीं कि एग्जैक्टली कितनी सैलरी टीसीएस को मिलती है। सो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला है जिस वीडियो में मैंने कहा था कि टीसीएस को स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी 10,000 से स्टार्टिंग करनी पड़ती है। ये स्टार्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये स्टार्टिंग गाइज आपको किस फेज में करनी पड़ती है आज मैं बताऊंगा आपको। स्टार्टिंग में बीपीओ में, जैसे मैं डोमेस्टिक लेवल की बात कर रहा हूँ या फिर टेक्निकल सपोर्ट में भी, आप जैसे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तब जाके आपकी सैलरी कम होती है। लेकिन आप अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स पे, अच्छे पोजीशंस पे ज्वाइन होते हो तो बेशक आपकी सैलरी बहुत अच्छी रह सकती है। सो टीसीएस में कितनी सैलरी मिलती है बेसिकली, तो इसका रीजन से गाइज इसका एक फाइनल सॉल्यूशन मैंने निकाला है। मैंने रिसर्च किया है कि टीसीएस के जितने भी कैंपस चल रहे 2019 के, उनका एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि 3.5 एक बेसिक सैलरी है जो टीसीएस प्रोवाइड कर रहा है, यानी फ्रेशर्स को 3.5 की बेसिक सैलरी। यहाँ पर एक्सेंचर हो या फिर इन्फोसिस हो, कैपजेमिनी हो, जैसे टॉप सैलरीज देने वाली कंपनीज है ये, तो उनके अकॉर्डिंग टीसीएस भी एक टॉप कंपनी है जो फ्रेशर्स को अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करती है 3.5। लेकिन ये सैलरी कब मिलती है? एक प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, दूसरी पोजीशंस अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो और लोअर लेवल पे काम कर रहे हो तो आपकी 10-12-15-20 हज़ार सैलरी रहेंगी। लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट हो जिसका रेवेन्यू अच्छा हो और रेपुटेशन अच्छा हो तो उस प्रोजेक्ट पे आपको अच्छी सैलरी।